हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू साटे ई लर्निंग यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम देखेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। राइट, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम होता क्या है? डीसी सर्किट में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। स्टेटमेंट, इट स्टेट दैट मैक्सिमम पावर फ्रॉम सोर्स कैन बी ट्रांसफर्ड व्हेन लोड रेजिस्टेंस is made equal to the internal resistance of the source. अब इसका स्टेटमेंट क्या स्टेट कर रहा है? स्टेटमेंट बेसिकली सिंपल है कि मैक्सिमम पावर आपके सर्किट में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा किस कंडीशन पे, जो सोर्स का रेजिस्टेंस है और वो लोड का रेजिस्टेंस सेम होगा, तब मैक्सिमम पावर फ्रॉम सोर्स ट्रांसफर होगा लोड पर। राइट, ओके स्टूडेंट्स, सो कंडीशन क्या चाहिए? कंडीशन शुड बी RL इक्वल टू RTH। अब आप RTH देख के सोच रहे होंगे RTH कहीं देखा है। हाँ, RTH क्या था? थेविनियन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सो स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट देगा और आपको फाइंड आउट करने बोले, आप मैक्सिमम पावर फाइंड आउट करने बोलेगा, तो सिंपल हम स्टेप्स किसके लगाएंगे? थेविनियन के स्टेप्स लगाएंगे। थेविनियन के स्टेप्स लगाएंगे और फाइंड आउट करेंगे VTH वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, फाइंड आउट करेंगे RTH रेजिस्टेंस। राइट, और आपका एट लास्ट हम क्या करेंगे? RL रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे, फिर RL रेजिस्टर के पास का पावर फाइंड आउट करेंगे, और पावर का फॉर्मूला क्या है? फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, पावर PL इज इक्वल टू VTH स्क्वायर डिवाइड 4 इंटू RTH। एंड फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम RTH और RL का वैल्यू क्या रहता है? सेम रहता है। राइट, तो स्टूडेंट्स हम बेसिकली क्या, किस चीज पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि हम फाइंड आउट कर रहे हैं RTH और हम फाइंड आउट करेंगे VTH। ये जो RTH है ये VTH का इंटरनल रेजिस्टेंस है। राइट, तो आई होप मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्लियर है। उसका स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट ये है, द सोर्स रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू लोड रेजिस्टेंस। सो क्या होगा? रेजिस्टेंस बैलेंस होगा, रेजिस्टेंस सेम होगा, तो मैक्सिमम पावर जो है सोर्स से ट्रांसफर होगा लोड पर। राइट, और फॉर दैट आपका लोड रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू RTH। RTH सपोज सर्किट का रेजिस्टेंस, जिसे हम कहते हैं सोर्स रेजिस्टेंस। राइट, तो हाउ टू सॉल्व कैसे करें? विद द हेल्प ऑफ थेविनियन थ्योरम हम इसे क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। स्टेप नंबर वन, वी विल फाइंड VTH। स्टेप नंबर टू, हम क्या फाइंड आउट करेंगे? RTH। और स्टेप नंबर थ्री, हम क्या करेंगे? इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे। देन स्टेप नंबर फोर, हम क्या करेंगे? पावर फाइंड आउट करेंगे। फॉर्मूला है VTH स्क्वायर अपॉन 4RL। आप इसकी जगह पे VTH स्क्वायर अपॉन 4 RTH भी लिख सकते हो, RL भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि RTH और RL क्या है? हमारा सेम है। ओके स्टूडेंट्स, सो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम इज एप्लीकेशन ऑफ थेविनियन थ्योरम। ये थेविनियन थ्योरम का एक एप्लीकेशन है। राइट, तो आई होप मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्लियर है। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे न्यूमेरिकल ऑन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ओके, सो स्टे ट्यून्ड, साटे ई लर्निंग, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।